मॉल की डेकोरेशंस तो आपने बहुत देख ली और अब वक्त हो गया है घर की सजावट देखने का। चलिए देखते हैं कि सारिका खरे ने किस तरह से अपने घर को सजाया है। खूबसूरत त्योहार यानी कि दिवाली का जो त्योहार है वो आ चुका है और ऐसे में लोग ना सिर्फ खुद को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि अपने पूरे घर को डेकोरेट करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ में आप सबकी प्यारी सी सारिका यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वेल, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि लोग ना सिर्फ अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि अपने घर को भी सजाते हैं, तो इस वक्त आप क्या कुछ एक्साइटिंग करने वाली है? हाँ, आपने सही बोला। अच्छे कपड़े पहनते हैं, जूलरी पहनते हैं, मेकअप करते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम मैं पहली बार ये करने वाली हूँ। थैंक्स टू यू। मैं अपने घर को तो थोड़ी देर बाद सजाएंगे लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं, मैं अपने बेडरूम को सजाने वाली हूँ और उसके लिए हम कुछ प्यारी प्यारी चीजें भी लेकर आए हैं। तो क्या कुछ लाया हमने, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे सिर्फ बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर सारिका ने काफी सारी शॉपिंग की हुई है। सारिका, आप ही बता रहे कि क्या कुछ लाया है आपने? मुझे दिए बहुत पसंद है और मुझे लाइट्स बहुत पसंद है। लाइट्स इसमें बहुत यूज होती हैं। तो ये कंदील है और शगुन के लिए थोड़े से पटाखे। होली मुझे बहुत पसंद है, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी बनानी नहीं आती है, बट आई ट्राई और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। सारिका की दिवाली सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई अपने रूम की साज सजावट से। झालरों के साथ सारिका ने अपने रूम में लगा दिए चार चांद और फिर शुरू हुआ रंग बिरंगी रंगोली बनाने का सिलसिला। बनाई सबसे स्पेशल रंगोली क्योंकि सारिका ने रंगोली से लिखा यू मी और टीवी का नाम। बहुत ही दिल से यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है यू मी और टीवी के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है। तो सारिका, मतलब पहली बार ये एक्सपीरियंस हाथ में आपने कलर लिया है, अगर मैं सही हूँ तो? हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो पूजा। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम रंगोली के रंगों को हाथ लगाया है और मुझे बहुत मजा आया एंड सच में मैंने ये बहुत मन से बनाया है क्योंकि पहली बार था। सारिका ने यू मी और टीवी स्पेशल रंगोली के जरिए अपने फैंस को भी कह दिया हैप्पी दिवाली। आजा पिया आजा तेरे ही लिए जलते दिए। मुझे ये गाना बहुत अच्छे से नहीं आता है और मैंने आप लोगों के लिए गाया है, बेसुरा है, कोई बात नहीं, प्यार से गाया है। लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने यूमी और टीवी के दर्शकों को? मैं सबको कहना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये सब कुछ मैंने आज पूजा के साथ मिलकर आप लोगों के लिए ही किया है और अपने लिए भी। वेल, थैंक यू सारिका, थैंक यू सो मच हमारे लिए इतनी खूबसूरत सी रंगोली बनाने के लिए, दर्शकों के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली यू मी और टीवी की पूरी टीम की तरफ से, पूरे दर्शकों की तरफ से हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।